हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारिजात गार्डन। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप इनको अपने घर में ही बना के अपने पौधों में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और घर में बनाए हुए फर्टिलाइज़र से आपके पौधों पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो हेल्दी रहेंगे और पहले से ज़्यादा उसमें फ्लावर और फ्रूट्स आएंगे और उनकी ग्रोथ भी पहले से अधिक बढ़ जाएगी। आप इन्हें अपने घर आसानी से बना सकते हैं इन फर्टिलाइज़र को। ये ओनियन पील्स फर्टिलाइज़र है, इसको हम आप जो है प्याज के छिलके आपके यहाँ निकलते हैं उनको आप 2 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए। ये हम पहले 2 दिन पहले हमने पानी में भिगो के रख दिया है और उसके बाद आपके ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएंगे। गर्मी के समय में इसमें पानी गर्मी में हो या ठंडी हो, हमेशा इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है पौधे में, इसमें थोड़ा और सादा नॉर्मल पानी डाल लीजिए। उसके बाद आप अपने प्लांट में डालिए, आप देखिएगा पहले से आपके प्लांट में ग्रोथ बढ़ जाएंगे। और ओनियन पील्स फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, आपके पौधों में पहले से अधिक फ्लावर्स होंगे। अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इनका इस्तेमाल करिए, 1 महीने में आपको अपने प्लांट में अंतर दिखाई देंगे, पहले से अधिक फ्लावर आपके आने लगेंगे। फ्रूट्स वगैरह सब आप किसी भी प्लांट में दीजिए, फ्लावर वाले प्लांट हों या फ्रूट वाले प्लांट हों, सभी में इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आएगा। ठंडक के दिनों में इसमें आप 5 गुना पानी नॉर्मल पानी ऐड कर लीजिए और गर्मी के दिनों में 8 से 10 गुना पानी इसमें ऐड करके तब अपने प्लांट में आप डालिए। ये बनाना पील्स फर्टिलाइज़र है, ये बनाना के छिलके को पानी में भिगो के आप 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, आपका ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। फिर आप इसमें पानी, जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि ठंडक में इसमें 5 गुना पानी और गर्मी के समय में 8 से 10 गुना पानी नॉर्मल पानी मिला के आप पौधे में प्लांट में अपने डालिए। ये गुड़हल के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये ओनियंस पील्स फर्टिलाइज़र है, ये संतरे ये एसिड वाले हो जाते हैं फर्टिलाइज़र, और आप इसको गुलाब में मोगरा में डाल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसको ओनियन के छिलके जो है सॉरी संतरे के छिलके आप पानी में भिगो दीजिए 2 दिन के लिए, आप इसमें नींबू के छिलका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 2 दिन के बाद देखिएगा आपके ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएंगे और आप इसमें पानी ऐड करके अपने प्लांट में दीजिए। गुलाब में इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और ये है लहसुन की पत्तियों वाला खाद है, ये आपके लहसुन के छिलके होते हैं उनको आप पानी में ऐड कर दीजिए 1-2 दिन के लिए, उसके बाद आप इसमें नॉर्मल पानी मिला के अपने प्लांट में स्प्रे करिए, या कीड़े वगैरह कैसे भी कीड़े होंगे आप सारे उसमें से कीड़े चले जाएंगे, प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है ये। इसमें आप 2-4 कलियां लहसुन भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही फ़ायदा करेगा। ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आपके पौधे पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और एक फर्टिलाइज़र ये है, आप चावल 1 मुट्ठी चावल आप पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद इसको पानी ऐड करके अपने प्लांट में पत्तियों पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों पे स्प्रे करेंगे तो उसमें शाइनिंग वगैरह आएगी और ये अगर आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी होगी तो उसको दूर कर देंगे। प्लांट के लिए ये आप जितने भी फर्टिलाइज़र हैं ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र हैं, आप इनका इस्तेमाल करके देखिए, आपके प्लांट में पहले से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप स्वयं अपने घर में खुद बना सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसका प्रयोग आप अपने पौधे में ज़रूर करिए, आप खुद ही देखेंगे कितना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, 100% आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।